साथ में है जय जी एंड शरद जी। तो अभी फिलहाल मेरा और जय जी का गाना शूट हो रहा है जी। ये भी जानना चाहेंगे कि मैं जब देख रहा था यहाँ जब शूटिंग चल रही थी काफी रिटेक भी हो रहे थे, कितना कुछ गुस्सा आ जाता है जब रिटेक कोई बोलता है तो उसे किस वे में लेते हैं आप? नो या पॉजिटिव वे में लेना चाहिए बिकॉज एक्चुअली क्या होता है जब हम एक्ट करते तो कहीं ना कहीं हमारे पैर डिसबैलेंस होते हैं, हील प्रॉपर तरीके से नहीं केयर कर पाते हैं तो होता है, इसमें क्या हो गया। पर प्रॉपर सीन शूट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए रिटेक होती तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगा जी, रिटेक का मतलब ही होता है परफेक्ट टेक। जब तक रिटेक नहीं होगा तब तक परफेक्ट टेक नहीं हो सकता। मैं ये जब देख रहा था मुझे काफ़ी दोनों में काफ़ी एनर्जी दिख रही थी, मैं जय जी से जानना चाहूँगा कि रितिका जी में कितनी एनर्जी थी? रितिका जी को तो मैं पिछले 8 से 10 सालों से जानता हूँ और दिन ब दिन इनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इनसे। मैं इनसे सीखती हूँ ये एनर्जी कैसे गेन करती हैं, कैसे बचा के रखती हैं। तो जब काम की बारी आती है तो बहुत एनर्जी रहती है इनके अंदर। जब हम देख रहे थे हमें तो ये दिख रहा था कि जय जी की एनर्जी काफ़ी पावरफुल है, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं और रितिका जी थोड़ा सा हिचकिचा रही थी क्योंकि जय जी ने शूज पहने थे, रितिका जी ने हील पहना था तो थोड़ा बहुत 19-20 वो होता है। और आप जगह भी देख रहे हो कि वो जगह किस टाइप की बनी हुई है। और मेरा मानना है अगर रिटेक नहीं होंगे तो आप एडिटिंग पे आपको ढूंढने पड़ते हैं, परफेक्ट टेक नहीं मिलेगा। अरे यार वन टेक हो गया यार, कुछ और होते तो हम वहाँ से ले लेते, तो ये चीजें भी होती है। एक्चुअली बहुत कुछ कॉस्ट्यूम बहुत कुछ आपके शूज पे भी डिपेंड करता है। जब आप गर्ल्स के बारे में स्पेशली कहना चाहूँगा कि कंपेयर टू बॉयज बहुत ज़्यादा कुछ संभालना होता है उनको बिकॉज वो हील पहनती हैं तो वो पेंसिल हील होती है और उसके ऊपर डांस करना अगर हम लड़कों को दे दिया जाए तो शायद ही बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और हम लड़के लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर रिटेक उसकी वजह से हो रहा है तो आई थिंक वो रिटेक नहीं होता है, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसकी वजह से होता है और रिटेक होता है वो अच्छी चीज़ अच्छे के लिए ही होता है। ये जानना चाहेंगे कि जो शूटिंग हो रही है जिस तरह का माहौल बना है क्या माहौल क्रिएट किया गया है यहाँ गाने का? देखिए जो शूटिंग हो रही है ये एक कॉलेज टाइप का सॉन्ग है जहाँ पे एंटरटेनमेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बहुत सारा वेरिएशन आपको इस गाने में मिलेगा। एक होता है ना कि सिर्फ डांस डांस डांस, सिर्फ डांस नहीं है इस गाने में, इस गाने में मस्ती भी है, इस गाने में गेम भी है, इस गाने में क्या बोलते हैं रोमांस भी है, तो एक ही गाने के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। रितिका जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने जो पिछले 3-4 फिल्म जो देखी है आपकी उसमें सोलो आपका है, आइटम टाइप का सॉन्ग्स है, डांस है उसमें सोलो है, इस फिल्म में भी है कुछ सोलो ऐसा? नहीं इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं, इस फिल्म में हम दोनों का साथ में ही है और सोलो इस फिल्म में ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की एनर्जी थी दोनों में? अभी कुछ ज़्यादा बोलना तो अच्छा नहीं होगा बट मैं जब भी शूटिंग वहाँ रिहर्सल हो रहा था तो रिहर्सल में देखा कि शूटिंग के टाइम पे क्या होता है, शूटिंग के टाइम पे वहाँ से डबल हो गया, मतलब वहाँ जो रिहर्सल में हुआ उससे डबल यहाँ एनर्जी है और ये तो पावर है। जय तो मतलब ऐसा कि कुछ भी करना है बस डांस ही करना है और रितिका जग भी ऐसा लगा रितिका का भी कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, डांस का तो इनका बहुत ही अच्छा मोमेंट था, कोई चीज़ में उन्होंने मना नहीं किया कि मैं नहीं ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, हर चीज़ पे इन्होंने एनर्जी दिया, बहुत अच्छा था इनका ये और अच्छा लगा जी। ये भी जानना चाहेंगे कि आज एक गाने की शूटिंग हो रही है, दो दो गाने हैं, तीन गाने हैं, कितने गाने हैं? एक ही गाना है। भोजपुरी में हम इस गाने को थोड़ा अलग टाइप का बनाना चाह रहे हैं और बस देखिए ये गाना बहुत अच्छा बना है, जितना सोच रही है देखिए किस लेवल पे बहुत अच्छा गाना है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि प्रॉपर वे में शूट किया जाए, प्रॉपर रिहर्सल किया जाए, प्रॉपर उसको प्लानिंग करके शूट किया जाए, उसमें क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग शूट किया जाए, इसलिए बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक ही सॉन्ग में आपको देखने मिलेगा जी। सर आपसे जानना चाहेंगे आप इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं कितना कुछ अनुभव ले रहे हैं कि यहाँ रितिका जी है, यहाँ जय यादव जी हैं? सर सबसे पहले नमस्कार, मैं इस फिल्म में डेब्यू करने जा रहा हूँ और मैं जय जी को भी अच्छी तरह जानता हूँ और रितिका जी को भी अच्छी तरह से जान चुका हूँ और काफ़ी मतलब मुझे इन लोगों से इनको देखकर ऐसा मतलब हिम्मत मिला या फिर कहते ना कि फर्स्ट टाइम आपका कुछ एक ऐसा लैंग्वेज में जो आपको लैंग्वेज आता नहीं हो फिर भी मैं इनको देख के काफ़ी साहस मुझे मिला और इनकी एनर्जी देख कर आई थिंक नहीं यार जब ये लोग कर सकते तो फिर मैं भी ट्राई कर सकता हूँ और काफ़ी अच्छा मतलब फिल्म की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और इससे मतलब जब मैंने सुना स्टोरी सुना और इस टाइम में जो कैरेक्टर था मेरा वो मुझे बहुत अच्छा लगा
और अभी जब फिल्म रिलीज होगी तो फिर आप लोग देखना, बहुत अच्छी कहानी है, पूरी पारिवारिक कहानी है और आप पूरा सारा परिवार देख सकते हैं। दर्शकों को आप बता सके आपके अपोजिट कौन सी हीरोइन होगी? मेरी अपोजिट तो बहुत ज्यादा स्टोरी रिवील नहीं कर सकते, हाँ, बट सब एक दूसरे के अपोजिट है, सब एक दूसरे का अपोजिट। तो जय जी, ये मान के चले ये जो कहानी है, जो प्रेम कहानी बनेगी है, तो वो एक ट्रायंगल टाइप की लव स्टोरी होगी, उसमें सब कुछ होगा? नहीं है, चार लोग हैं तो चार टाइप, चार लोगों की लव स्टोरी है ये। एक्चुअली ये तीन की लव स्टोरी नहीं है, ये चार लोगों की लव स्टोरी है। और इसमें आपको सस्पेंस बहुत दिखेगा, एक के बाद एक ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपको लगेगा कि यार अभी ये होने वाला है, आप एक्सपेक्ट कुछ करोगे, होगा कुछ और। तो हम, हर कोई कहता है कि हम बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं, बहुत डिफरेंट बनाने जा रहे हैं, कोशिश हम भी कुछ अच्छा करने की कर रहे हैं कि फैमिली भी देखे, इंटरटेनमेंट भी हो और आपको कुछ नया भी लगे। तो वैसे ही कोशिश है कि जब प्यार किसी से होता है तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि प्यार में पाना, मेरे हिसाब से प्यार में देना होता है। एक परिवार को क्या दे सकते हैं आप, एक जिससे प्यार करते हैं उसको क्या दे सकते हैं आप। तो इसमें जो चारों करेक्टर है वो सेल्फिश नहीं है, कोई भी करेक्टर सेल्फिश नहीं है, हर करेक्टर इस फिल्म में ऐसा है कि जो प्यार में देना, देने की चाह रखता है, उसको सिर्फ पाना नहीं है, देना ही देना है। तो ये मान के चले दर्शक इस फिल्म को इसलिए देखे कि ये प्यार तो है लेकिन सस्पेंस क्रिएट होते जाएगा, सस्पेंस खुलते जाएंगे, इसलिए दर्शकों को इसको देखना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस फिल्म में एक यूनिक चीज मिलेगा जो एक फैमिली भी करती है। यहाँ पे कोई विलेन नहीं है इस फिल्म में, न कोई हीरो विलेन है, न कोई हीरोइन विलेन है, न कोई फैमिली मेंबर्स विलेन है, न कोई फादर विलेन है। सिचुएशन निगेटिविटी पैदा करता है और सिचुएशन ही निगेटिविटी जो पैदा करता है, वो फैमिली कैसे मिलके उस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है। तो सारे जो करेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव करेक्टर्स हैं, जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, बट फिल्म का जो सिचुएशन है वो एक 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 करके सिचुएशन बनता जाता है और चीज़ें होती जाती हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये फिल्म देखिए कि आपको लगेगा कि बिना किसी निगेटिव करेक्टर के किस तरह से सिचुएशन निगेटिव होता है और किस तरह से अगर एक पूरा परिवार और एक एक पूरे दोस्त, एक फैमिली अगर एक हो तो हर सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं। और सबसे बड़ा एक सोशल मैसेज ये जाएगा कि अगर किसी के साथ कुछ भी अगर गलती हो गया हो तो जब फिल्म देखेंगे दर्शक तो उनको ये लगेगा कि काश हमारे साथ अगर ऐसा हो जाता तो आज हमारी लाइफ चेंज हो जाती। 99% लोगों के साथ होता है, मैं आई एम श्योर 99% लोगों के साथ होता है और 99% फैमिली वो करना चाहती है लेकिन सिचुएशन ऐसे नहीं बन पाते कि वो कर पाते। तो इस फिल्म को आपको देखने के बाद लगेगा कि काश इस प्रॉब्लम को मैं अपने फैमिली के साथ शेयर कर लेता, काश मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम हुआ था वो मैं अपने फैमिली के साथ शेयर कर लेता तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छी फिल्में बन रही है, प्लीज उन सभी फिल्मों को आप सपोर्ट करें और सिर्फ यूट्यूब पे ही ना देखें, टीवी पर ना जाएं, सिनेमा हॉल में जाएं। और अगर जो भी फिल्में आप देखते हैं हमारी, अगर आपको उसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमें इस फिल्म में ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा वैसा कुछ चीज़ ना करें। और जो अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर उसमें लिखें कि ये चीज़ अच्छा लग रहा है और आप, हम कोशिश करेंगे कि बार बार वो चीज़ें करें। तो आप लोगों का ही सहयोग हमारी इंडस्ट्री को बढ़ा सकती है और हम सब लोग को बढ़ा सकती है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें।